गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल डियर चिल्ड्रन? ओके, यू आर फाइन. आई थिंक यू ऑल आर फाइन. माई सेल्फ भाविन सर. टुडे वी हैव टू लर्न इंग्लिश सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 2, राइट? सो रेडी एवरीवन? ओके, नाउ टुडे we have to learn from English textbook and that is Marigold. आज हम Marigold textbook में से पढ़ेंगे. Okay, so everyone open your textbook. Come on, everyone open your textbook. Page number 4. Last time I had given so many questions. राइट, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको लिखाए थे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इन द नोटबुक. नाउ एवरीवन ओपन योर दिस बुक. ओके, सो रेडी, लेट्स स्टार्ट आवर वर्क. सो टुडे वी लर्न फर्स्ट दिस पोयम. अब ये पोयम मेरे साथ बोलेंगे, ब्रश 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 योर टीथ, ब्रश 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 योर टीथ, ब्रश देम एवरी डे. मतलब हमको हमारे टीथ एवरीडे ब्रश करना चाहिए. फादर मदर ब्रदर सिस्टर, ब्रश देम एवरीडे. तो आपके घर पे फादर मदर ब्रदर सिस्टर सब लोग ये ब्रश करते हैं ना हर रोज. कॉम 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 योर हेयर, कॉम बीट एवरीडे. अब ब्रश करने के बाद क्या करेंगे हम? हेयर कॉम करेंगे, मतलब बाल अच्छे करेंगे, राइट? देख के फादर मदर ब्रदर सिस्टर कॉम्बिट एवरी डे. तो सब लोग ये बाल तो करते ही, लगाते हैं, अच्छे करते हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट वन, वॉश 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 योर फेस, वॉश इट एवरी डे. सो एवरी डे यू हैव टू वॉश योर फेस बिफोर गोइंग टू स्कूल, आफ्टर कमिंग स्कूल, बिफोर आफ्टर प्लेइंग, कमिंग फ्रॉम प्लेइंग, खेलने के बाद भी आप अपना फेस वॉश करो, हैंड वॉश करो, राइट? एवरीवन मस्ट वॉश दी योर फेस एंड हैंड्स, एवरीथिंग. फादर मदर ब्रदर सिस्टर वॉश इट एवरी डे. तो मम्मी पापा भाई बहन सब लोग हर रोज वॉश करते हैं. ओके, सो लेट्स गो अहेड द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ टुडे योर नो वी हैव नॉट योर फ्रेंड. Today there is no one friend from you with me. मतलब आज आपका कोई friend मेरे पास नहीं है. Okay, तो where your friend went? Where did your friend go? कहाँ गया वो friend? आपका friend नहीं आया आज, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने व्हाट स्टेटस पे, सॉरी ये क्या, यूट्यूब पे लाइक करके भेजा नहीं है लिख के कि हमको आई वांट टू मीट माय फ्रेंड. दो वीडियो आए, तीन वीडियो आए, उसमें खाली थोड़े ही जन ने लिख के भेजा है कि आई वांट टू मीट माय फ्रेंड, आई वांट टू मीट माय फ्रेंड. सो एवरीवन वॉच दिस वीडियो एंड कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स, सर आई वॉन्ट टू मीट माई फ्रेंड. तो ही आपका फ्रेंड नेक्स्ट व्यू में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. आज वो रूठ गया है आपसे, इसलिए आपका फ्रेंड नहीं है, लेकिन मुझे अकेला पढ़ाना पड़ता है, क्या करें. ओके, तो अगर आपको आपके फ्रेंड से मिलना है तो नेक्स्ट वीडियो में कंपलसरी लिख के लिए कॉमेंट में भी लिख के भेजेंगे, व्हाट या तो व्हाट्सएप पे लिख के भेजेंगे, सर आई वांट टू मीट माय फ्रेंड. ओके ओके, नाउ लेट्स गो अहेड. सी हियर वन ऑफ द हिप्पोपोटामस, हियर हिप्पोपोटामस आर देयर एंड दिस हिप्पोपोटामस स्पेलिंग HIPPOTAMUS, वन हिप्पोपोटामस हियर. देन हाउ मेनी वर्ड वी हैव टू मेक बाई यूजिंग ऑफ दिस HIPPO. ये सब वर्ड को यूज़ करके हमको वर्ड बनाना है. देखो मैंने बनाया है, इसमें से ही बनाया है, POT पॉट, इट इज़ ऑलरेडी मेड. देन POP पॉप, पॉप पॉप फोड़ते हो ना आप दिवाली में. देन TAP टैप, MOP मॉप, टैप नल, MOP मॉप पोछा,
हम का कोई जगह पोतू करिए छे, एच ओ पी होप, होप मतलब जंप करना, राइट, ऐसे कूदते हो, एम ए टी मैट, सो मैट नीचे चट्टाई बिछाने की, सो हिपोपोटेमस में से हमने ये सब स्पेलिंग बनाया। इवन देखो इसमें पीछे एस भी है, यहाँ पे पीछे लाइक एस, सो यू कैन ऑल्सो मेक एस ए टी सेट। आई एम मेकिंग वन न्यू वर्ड, एस एस ए टी सेट, सेट मतलब बैठ जाना, राइट, इट इज़ अ पास्ट टेंस ऑफ सीट। सो दिस इज वॉट हियर, द नेक्स्ट इज सर्कल, वॉट यू कैन कैरी इन योर स्कूल बैग। तो स्कूल बैग में आप इसमें से कौन कौन सी चीज़ ले जाओगे, स्कूल बैग के अंदर कौन सी चीज़ ले जाओगे, जो जो चीज़ आप स्कूल बैग के अंदर ले जाओगे उसमें हम यहाँ पे टिक करना है, सर्कल करना है। सो लेट्स सी, रूलर, रूलर मतलब स्केल, फुटपट्टी आप ले जाते हो ना, ओके, तो सर्कल करेंगे। देन शार्पनर, शार्पनर होती है, यह शार्पनर होता है तुम्हारे कंपास बॉक्स में, ओके, वो भी हम स्कूल में ले जाते हैं। देन पेन, यस पेन आल्सो यू टेक टू द स्कूल बाय कीपिंग इन योर बैग, अपने बैग के अंदर ले जाना। हाँ, इरेजर, इरेजर आल्सो यू आर टेकिंग राइट इन योर बैग। ये वाटर बैग, वाटर बैग आप स्कूल में ले जाते हो है ना, लेकिन बैग के अंदर रखते हो, नो, वी आर नॉट कीपिंग वाटर बैग इन द बैग। इफ यू कीप वाटर बैग इन द बैग, देन वॉट हैपन, दैट सब बुक्स आपकी कैसी हो जाएगी, गीली हो जाएगी। सो वाटर बैग को बैग में नहीं रखने का, ओके। देन आइसक्रीम, आर यू टेकिंग आइसक्रीम विथ यू इन द स्कूल, नो, आइसक्रीम नहीं ले जाते भाई, ओके। बुक्स, यस यस बुक्स तो हम ले जाते हैं। ये टॉय खेलने के लिए ले जाते हो तुम लोग, नहीं भाई। पेबल्स, पेबल्स मतलब मालूम है आ पत्थर नाना ना काकर आवे छे ने ग्राउंड पे होए, वो पेबल्स हम नहीं ले जाते। सम स्टूडेंट्स आर कीपिंग देयर दिस पेबल्स इन द बुक बैग, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रखते हैं मुझे मालूम है, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है। नाउ पेंसिल, यस पेंसिल ले जाते। देन टिफिन बॉक्स, यस यस टिफिन बॉक्स मीन्स लंच बॉक्स, लंच बॉक्स तो ले जाना पड़ेगा भाई, खाना भूख लगेगी रिसेस में। देन स्पेक्टिकल्स, या अब देखो स्पेक्टिकल्स हर कोई तो नहीं ले जाता, लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको आँख की तकलीफ होती है, राइट, उसको दिखने में, सो दे आर कीपिंग, ओके, सो वी कैन मेक राउंड ऑफ स्पेक्टिकल्स, राइट। सो दीज आर द थिंग्स वॉट एवर यू आर टेकिंग टू द स्कूल इन योर बैग, क्लियर। सो दिस इज द गिवन, रोलर, शार्पनर, इरेजर, बुक्स, पेंसिल, टिफिन, पेन, स्पेक्टिकल्स, दिस एवरीथिंग यू राइट इन योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में आपको ये लिखना है, ओके। सो दिस इज होमवर्क ऑल्सो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एवरीवन राइट इन द टेक्स्ट बुक, हम चेक करेंगे बाद में, ओके। नाउ नेक्स्ट इज सी, ऑलरेडी आई हैड गिवन दिस टाइप ऑफ वर्ड्स इन योर फ्रॉम योर इन द आई थिंक वर्कबुक, यस इट इज फ्रॉम वर्कबुक, बट हियर सम वर्क यू गिवन दैट ऑल्सो यू हैव टू कम्प्लीट हियर इन द बुक, ये भी आपको होमवर्क करना है अंदर। नाउ सी हियर, हियर वन ऑफ द बॉय आउट ऑफ वन ऑफ द फ्रेंड, योर फ्रेंड इज ही सिटिंग हियर, अरे वो आपका वो वाला फ्रेंड नहीं है भाई, वो वाला फ्रेंड को रूठ गया है। अगर आपको वो फ्रेंड को फिर से मिलना है नेक्स्ट वेनसडे, तो आपको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, वीडियो में कमेंट में लिखना पड़ेगा, सर प्लीज़ आई वांट टू मीट माय फ्रेंड। जो अच्छे बच्चे हैं ना वो लिख के भेजेंगे मुझे, तो ही आपको आपका फ्रेंड मिलेगा, नहीं तो फ्रेंड नहीं आएगा, बेचारा रुट गया है, ओके। ब्रेकफास्ट,
एंड इट इज़ फॉर सरप्राइज फॉर यू, आपका फ्रेंड को मिलना है, वो आपके लिए सरप्राइज है, एंड आई विल गिव यू दैट सरप्राइज, आई विल शो यू, मैं आपको उससे मिलाऊंगा, राइट, बट आप सब लोग मुझे लिख के भेजेंगे तो, सो डू यू वॉन्ट टू सी योर सरप्राइज, आप सबको आपकी सरप्राइज देखनी है ना, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और क्या करना है भाई, यस, कमेंट में लिख के भेजना है, सर आई वॉन्ट टू मीट माय फ्रेंड, ओके, नाउ हियर वन ऑफ द पर्सन, वन ऑफ द मैन, वन ऑफ द बॉय, योर फ्रेंड, एक बॉय है, छोटा सा बच्चा, स्कूल में जाता है, तो स्कूल में जाने से पहले क्या करेगा वो, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट खाएगा, सो दैट्स व्हाई ही हैज रिटन ईटिंग ब्रेकफास्ट, ओके, ब्रेकफास्ट में क्या है, ए आर आई वी कांट सी, वॉट एवर इज, नाश्ता तो है ना कुछ, ओके, देन ही इज़ गोइंग टू स्कूल, स्कूल में जाता है, लेकिन कैसे जाता है, राइडिंग अ बाइसिकल, साइकिल पे बैठ के राइडिंग अ बाइसिकल ही इज़ गोइंग टू स्कूल, राइट, ओके, बट ही इज़ हियर, हियर इज़ नॉट दैट बॉय, वो बॉय नहीं है, लेकिन उसके पीछे क्योंकि स्कूल बैग भी नहीं है, तो माइंड भी कोई जगह पे खेलने जाता होगा यार, ओके, बट सब लोग ऐसे नहीं है, एक बच्चा ऐसा भी है, देखो, यस, दिस बॉय हैविंग स्कूल बैग, वाटर बैग, है ना, वाटर बैग कहाँ रखी, देखो बाहर रखी है, वाटर बैग, स्कूल बैग, एंड गोइंग टू स्कूल, सो गोइंग टू स्कूल, देन स्कूल में जाके क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सो सी दिस बॉयज एंड गर्ल, वन ऑफ द बॉय एंड टू गर्ल्स, सो दिस चिल्ड्रन आर स्टडिंग इन द क्लास, आप पढ़ते हो ना, अभी आप स्टडिंग इन रूम, स्टडिंग इन हाउस, घर पे पढ़ते हो, लेकिन अब स्कूल में आओगे तो स्टडिंग इन क्लास, देन आफ्टर क्लास मीन्स आफ्टर स्टडिंग यू विल गेट रिसेस, एंड रिसेस में क्या करेंगे, लंच, एट दैट टाइम वी हैव टू टेक योर लंच, बट लंच अकेले अकेले खाएंगे, नो, वी हैव टू शेयर योर लंच, जो भी आप लायो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके खाओगे, ये इसको कुछ देगा, ये इसको कुछ देगा, दोनों शेयर करके खाएंगे, कोई, लेकिन कोई दूसरे का, किसी का पूरा नहीं खा लेगा, हाँ पूरा नहीं खा लेगा, सो शेयरिंग विथ फ्रेंड, ओके, फिर से फिर स्टडिंग इन द क्लास, लंच के बाद हम फिर से पढ़ते हैं, राइट, और पढ़ने के बाद 5 o'clock बेल रैंग, टन 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 टन, एंड इट्स रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल में से रिटर्न हो रहे हो, कहाँ पे, घर पे, राइट, सो आपको ये सब करना है ना, सो अगर आपको ये सब करना है तो जल्दी जल्दी स्कूल में आ जाओ, ओके, नाउ दिस इज़ ऑल्सो यू राइट इन योर नोट टेक्स्ट बुक, होमवर्क में लिखना है, ओके, देन यू कंप्लीट दिस पिक्चर्स, दिस प्रैक्टिस, कैपिटल लेटर्स, दिस स्मॉल लेटर्स, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, जी एच आई जे के, जी एच आई जे के, दिस इज ऑल्सो यू राइट इन योर टेक्स्ट बुक, क्लियर, सो अप टू हियर एवरी वन हैज़ टू कम्प्लीट, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रामर करेंगे और कुछ वर्कबुक का बाकी वो भी करेंगे, ओके, सो तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टाटा।